चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ. नेक्स्ट टॉपिक इज टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, टीपीएम. नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट सिमिलर टू टीक्यूएम, बट टीक्यूएम वॉज मोर फोकस्ड ऑन रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट्स. हियर द फोकस इज ऑन मेंटेनेंस ऑफ योर इक्विपमेंट्स. And total word is again emphasizing that it requires the organization effort together with management and employees. Preventive maintenance ko productive maintenance bol rahe. Word productive is indicating preventive maintenance. देखिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कहीं पर भी machines and equipments बहुत expensive आते हैं, और अगर उसका रूटीन मेंटेनेंस वगैरह ना हो तो उसके सारे प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएंगे. प्रोडक्टिव मेंटेनेंस मींस मेंटेनेंस इन सच अ वे दैट द प्रोडक्टिविटी कैन बी सस्टेन्ड. ओके, एक सिंपल सा चीज होता है, जैसे हम लोग जब अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करते तो ऑब्वियसली उसके एसेट्स बढ़ते, बट वो एसेट का अगर हिफाजत ना हो तो वो एसेट जो यूटिलिटी के लिए खरीदा गया है वो कभी भी मीट नहीं होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतने सारे तो एसीज हैं, इतने सारे यहाँ कंप्यूटर्स हैं, इतने सारे प्रोजेक्टर्स हैं, इतने सारे फैंस हैं, सब एसेट ही तो है. कैमरास हैं, लैपटॉप्स हैं इतने सारे, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इफ ओनली मैनेजमेंट इज कीन देन मैनेजमेंट बाकी काम कैसे करेगा. इफ ओनली एम्प्लॉयज आर कीन देन सम एम्प्लॉयज में कम एंड से तेरे को बहुत पड़ा है, पिन भरने में टाइम थोड़ी लगता है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, छोड़ देते तुरंत. सो बेसिकली बोला जाता है इट इज अ ज्वाइंट एफर्ट. मतलब मैंने ये देखा है हमारे यहाँ पे छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा एसजीसी, ये टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस अगर हम लोग मिल के ना करें ना, जैसे मैं नहीं जाऊं अगर तो होगा ही नहीं, और खाली इम्प्लॉइज के ऊपर छोड़ दो तो चीजें खराब ही हो जाती. तो एसेट का चीज, जैसे आज मैं ये लैपटॉप यूज करता हूं तो आई मैनेज दिस लैपटॉप माईसेल्फ. ओके, बट एनी वे आफ्टर माई क्लास इट इज अ ड्यूटी अगेन दैट वी शुड नॉट चार्ज इट without any reason because that will decrease the battery life. So that conscious has to be either on me or on my employees. Together only we can work. So if I just come and do it once myself, twice myself, it will probably make my employees conscious. Like yesterday what was happening, entire class was over and the entire lights were on and ACs were on for at least 1.5 hours. So after my class, I just started doing my other jobs in my cabin. But after 1.5 hours, when I came and took a walk, I saw ki sab chal raha hai. So what happened actually? It was lack of this concept. ये ही हमें सिखा रहा है कि ये रोज का काम है, ये एक दिन का काम नहीं, ये रोज का काम है एंड इट इज अ जॉइंट एफर्ट. तो भाई मैं उठ आया, तुरंत सबको बुलाया, मैं बोला देखो ऐसे बंद करते हैं, हालांकि आप लोगों को मालूम है लेकिन ऐसे करते हैं. इफ यू आर वेस्टिंग रिसोर्सेज, इफ एनी डैमेजेस हैपन दैट विल अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट विल ऑटोमेटिकली अफेक्ट नॉट ओनली मी बट यू ऑल्सो. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सेम, क्लास खत्म हो गई, रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, 2 घंटे तक कैमरा ऑन ही है, अननेसेसरी. तो ये सब हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हम लोग उन बड़े ऑर्गेनाइजेशन के सामने 0.1% में भी काउंट नहीं आते. तो हमारे यहां पे जब इतनी दुविधाएं हैं वहां नहीं होती होगी, कौन सा लाइट जल रहा है कौन सा लाइट नहीं जल रहा है, भाई कोई मतलब ही नहीं होता किसी को. कंप्यूटर का कीबोर्ड में आप ऑफिस में जाते हैं, कीबोर्ड में धूल घुसा हुआ है, किसको मतलब है, आप काम करके उठ के चले आते, फिर अपने को तो जाना है जाना है जाना है. बट बिफोर डूइंग स्टार्टिंग द वर्क व्हाट यू कैन डू इज एटलीस्ट क्लीन योर कीबोर्ड वेयर यू विल बी वर्किंग. एटलीस्ट इट इज योर कीबोर्ड फॉर द डिफाइंड टाइम, यू शुड अंडरस्टैंड दैट.
आप जिस चेयर में बैठे हो उसमें धूल लगा हुआ है तो होगा क्या, धूल जमते जमते वो खराब हो जाएगा। जिस प्रिंटर में आप प्रिंट करो आप ही सारा उसका आउटपुट यूज करो, बट प्रिंटर में कोई ट्रे या स्क्रू हिला हुआ है, आपको कॉन्शियस आना चाहिए मैं इसको टाइट कर दूं, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग आई एम यूजिंग इट, सो इट इज माई ड्यूटी टू मैनेज दैट, टू मेंटेन दैट, टू ब्रिंग ओवरऑल इफेक्टिवनेस फ्रॉम इट, और एल्स टुमारो इट वॉन्ट बी देयर, टुमारो माई योर वर्क विल गेट हॉल्ट, और यू कैन से टुमारो ऑर्गेनाइजेशंस वर्क विल गेट हॉल्ट। ये खाली अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस ये कॉन्सेप्ट दिला रहा है, और ये एक खाली इंप्लॉय पे छोड़ दोगे तो होगा नहीं, ये मैनेजमेंट पे खाली छोड़ दोगे तो इंप्लॉय करेगा नहीं। अभी मैं क्या बात कर रहा था पता है, वहां पे एक लेडी हमारी जो क्लीनर आई हुई है उनसे यही बात कर रहा था कि अपना क्या हमारे सप्ताह एक दिन समय दीते हो, अभी तो यहाँ पे पेंटिंग वेंटिंग चल रहा बोल के वो आई हुई है, बट आप सप्ताह में एक दिन हम लोग को टाइम दीजिए, की करबो हमें ऐसे सब परिष्कार करबे, बिकॉज इफ आई डोंट कीप अ सेपरेट इंचार्ज फॉर दिस और इफ आई रिलाई ओनली ऑन द एग्जिस्टिंग पीपल द थिंग्स विल डिस्ट्रॉय, ऑटोमेटिकली गेट डिस्ट्रॉय। तो ये सब बेसिक है कि बिफोर यू डू द वर्क, मतलब वही बोला ना काइजेन क्या है, little improvement before you do the work, at least make sure that your workplace is clean and organized, your keyboards are clean, your computer screen is visible properly, your printers are working. Why to take it casually ki mera thodi, are mera nahi to aap use to kar rahe na, jab tak use kare tab tak to aap hi ka samajh ke use kiya ja raha hai, tab tak koi aapko disturb thodi kar raha hai, us pe aapka chair working condition mein hai ki nahi hai, नहीं है तो उसको ठीक कराएं, नहीं है तो ये नहीं कि ऑल्टरनेटिव जुगाड़ बैठाएं, एटलीस्ट रिपोर्ट तो करें, आप नहीं करा सकते रिपोर्ट तो करें। अब जैसे एक लैपटॉप है हमारा, उसका माउस पैड अचानक से नया लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, तो किसी ने मुझे बताया भी नहीं और ना ठीक कराया, क्या किया यूएसबी माउस लगा दिया काम हो रहा है। तो वी आर नॉट आस्किंग यू टू फाइंड अ सोल्यूशन लाइक दिस, नाउ दिस विल हैपन व्हेन वी लीव थिंग्स टू एम्प्लॉइज, so management has to also collaborate, we are not saying management has to do, management has to collaborate, if they don't do collaborate the things would come in a different way, because people don't understand how to remove or how to cure the solution, ek hota hai cure karna aur ek hota hai bas solution mein problem mein pade rehna, okay. So total productive maintenance is a system of maintaining and improving the integrity of production and quality systems. This is done through the machines, equipment, processes and employees that add to the value in business organization. This concept was first introduced in Messrs. Nippon Denso Company Limited in Japan, a supplier of Messrs. Toyota Motor Company. How TPM can be introduced in the organization? So first is preparation stage, second is introduction stage, third is implementation stage, fourth is institutionalizing stage. Preparation stage means awareness, consciousness. Introduction means initialization of that consciousness. कैसे करना है, द प्रॉपर प्लान, इम्प्लीमेंटेशन इज एग्जीक्यूटिंग इट, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मींस मतलब उसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए आप क्या क्या स्टेप ले सकते हो, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग स्टेज मींस उसको कंटिन्यूअस बनाना है, टू मेक इट कंटिन्यूअस, टू मेक इट परमानेंट। Preparation stage is to have an idea. To have an idea. Preparation stage is to have an idea. Introduction stage is to have a plan. Informative plan. To have an informative plan. Implementative stage is to implement your plans. Then they are saying there are 8 pillars of success with 5S strategy as foundation. देखिए पिलर बनाने के लिए नीचे फाउंडेशन लगेगा, तो
ऊपर 8 पिलर डालने के लिए नीचे फाउंडेशन चाहिए। तो इसका स्ट्रेटेजी में देखिए डायग्राम सब कुछ बता देता है। 5S इज द फाउंडेशन, दिस इज द फाउंडेशन, एंड देन देयर दीज आर 8 पिलर्स दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। अगर आप फाउंडेशन और पिलर पे काम कर पाते तो आपका काम हो गया, तो TPM आप अचीव कर लिए। मतलब सबसे पहले 5S क्यों बोल रहे हैं, देखिए 5S वॉज फॉर टूल्स ओनली। तो अगर आपके टूल्स और इक्विपमेंट्स 5S के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं होते तो कहां से मेंटेनेंस होगा? वो तो 5S एक तरह से मेंटेनेंस थ्योरी है कि सॉर्ट करके रखो, सेट इन ऑर्डर करो, शाइन करके रखो, स्टैंडर्डाइज करो, सस्टेन करो, वो तो बेसिक फाउंडेशन है। उसके ऊपर पिलर बनेंगे। अब पिलर क्या? ऑटोनोमस मेंटेनेंस। नाउ व्हाट इज ऑटोनोमस मेंटेनेंस अबाउट? ऑटोनोमस मतलब क्या होता है इंग्लिश वर्ड ऑटोनोमस? हाँ, इंडिपेंडेंट, ऑटोमेटिक, विदाउट एनीवन पुशिंग इट। ऑटोनोमस मेंटेनेंस मींस बेसिक मेंटेनेंस जो मैं आपको बोला कि आप काम करने के पहले भाई कीबोर्ड क्लीनिंग तो खुद कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे मेरे पास औजार नहीं। जैसे मैं पढ़ाने के लिए बेसिक स्क्रीन को साफ करके मैं यहां पे लिख रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, तो मेरा ड्यूटी है कि ये स्क्रीन साफ करने के लिए एक अलग आदमी रखू क्या? तो मेरा ड्यूटी है कि बिफोर आई स्टार्ट आई मस्ट इंश्योर दैट द स्क्रीन इज क्लीन। इफ नॉट दैट आई विल फर्स्ट क्लीन द स्क्रीन एंड देन आई विल स्टार्ट द थिंग्स। That is autonomous. You don't have to basically say this to anyone. This is a basic thing. जब घर में खाना बनता है तो before putting utensils to use आप wash कर लो ना, quality of output ही बढ़ेगा। Correct? Basic thing है। तो if you do this autonomous maintenance, obviously the life will get better. Life of equipments will get better. तो क्या बोल रहा है इसमें देखिए? Cleaning, lubricating, विजुअल इंस्पेक्शन, टाइटनिंग ऑफ लूज एंड बोल्ट्स एक्सेट्रा। इसके लिए बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज बेसिक मेंटेनेंस आप बिना बोले करें। ऑटोनोमस मींस बिना किसी के बोले। बेसिक मेंटेनेंस बिना किसी के बोले कर ले। करेक्ट? देन फोकस्ड इंप्रूवमेंट इज बेसिकली यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन लॉस रिडक्शन ड्यू टू नॉन मेंटेनेंस। उसके लिए ट्रिक्स का नाम है काइजेन रजिस्टर बनाओ। काइजेन को इंप्लीमेंट करने का बहुत सारा सिस्टम होता है। काइजेन रजिस्टर बनाओ। अब आप क्या चीज पे इंप्रूव कर रहे हो? काइजन समरी शीट कि क्या इंप्रूव कर पाए। वाई वाई एनालिसिस इज अ टेक्निक बेसिकली, ये सब मैनेजमेंट में आता है। वाई वाई एनालिसिस इज यू हैव टू आस्क सेवरल क्वेश्चंस। वाई डू यू नीड एंड वाई दिस सोल्यूशन, वाई दिस प्रॉब्लम इज देयर एंड व्हाट इज द सोल्यूशन के लिए भी वाई। दोनों के लिए क्वेश्चन रेज करोगे तो यू गेट मोर लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड सोल्यूशन। समरी ऑफ लॉसेज, what is the ultimate impact of your losses. Then plant maintenance is, you know, this is a proper maintenance. You can say this is a proper maintenance jisme maintenance wale aayenge, engineers aayenge, technical maintenance hoga isme jisme sab kuch wo pooch ke problems ko rectify karke jayega. Proper technical maintenance jo hum log nahi kar rahe wo engineer aake kar raha hai. By engineers you can say they will look after the technical problems. जैसे आप कीबोर्ड क्लीनिंग वगैरह खुद कर सकते हो, बट अब कौन सा कंप्यूटर में हार्डवेयर का अंदर का प्रॉब्लम हो रहा है क्या, और क्या सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब कर रहा है या सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सब तो इंजीनियर ही करेगा। देन अर्ली मैनेजमेंट इज फोकसिंग ऑन शॉर्टनिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट एंड इक्विपमेंट डेवलपमेंट। अब जैसे होता है ना, नया प्रोडक्ट जब बन के आता है, ठीक है, तो नया प्रोडक्ट बनाने के लिए सेटअप टाइम होते हैं इक्विपमेंट में, उसको रिड्यूस करो। या फिर कई बार होता है कि नया इक्विपमेंट बनाना पड़ता है नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो अगर वो इक्विपमेंट बनने में टाइम लग जाएगा
तो प्रोडक्ट भी डिलेड हो जाएगा. तो अर्ली मैनेजमेंट मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि रिड्यूस टाइम फॉर न्यू प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट डेवलपमेंट. जो परिवर्तन लाने हैं वो जल्दी जल्दी लाया करें, डिले ना करें. ओके, देन देयर इज क्वालिटी मेंटेनेंस विच हैज अल्टीमेटली फोकस ऑन, इधर फोकस है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए. देन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज, ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू वर्क एंड एजुकेशन इफ यू रिमेंबर सेल्फ इम्प्रूवमेंट. उससे भी ऑटोमेटिकली मेंटेनेंस के प्रति लोग जागरूक होते हैं. देन ऑफिस टीपीएम, ऑफिस टीपीएम ये इम्प्लॉई मोरल बढ़ाता है. बेसिकली दिस इज फॉर इम्प्लॉई मोरल. ऑफिस टीपीएम इज ऑफिस ऑटोमेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन को भी आप मॉनिटर करें, एडमिन फंक्शंस को लेके फोकस. देखिए फोकस एरियाज बदलते चले जा रहे हैं हम लोग. अब देखो यहां पे जो मेन मेंटेनेंस का इशू था वो फर्स्ट में डील हो गया, सेकंड में डील हो गया, थर्ड में डील हो गया. वो मेन मेंटेनेंस का कंसर्न था. फिर फोकस एरियाज चेंज किए कि नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी एक तरह से प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में आता है. उसमें डिले हो गया नया इक्विपमेंट बनाने में, तो आप प्रोडक्टिव मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं. फिर आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिलेटेड मेंटेनेंस करिए, एम्प्लॉई मोरल रिलेटेड मेंटेनेंस करिए, मतलब बेसिकली एम्प्लॉई का मेंटेनेंस होगा, है ना. एडमिन फंक्शन रिलेटेड मेंटेनेंस करिए. और ये सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट, इसको एर्गोनॉमिक भी बोलते हैं. एर्गोनॉमिक्स वर्ड सुने क्या? एर्गोनॉमिक्स मतलब होता है ह्यूमन सेफ्टी के बारे में सोचे, वर्किंग कंडीशंस के बारे में सोचे, जिससे कि हैजर्ड फ्री काम हो सके. सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंट, जीरो हेल्थ डैमेजेस, जीरो एक्सीडेंट पे आपको काम करना पड़ेगा. जिसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, हाउ टू डू इट. देखिए सब में हाउ टू डू इट का एक कॉलम है. टेक्निक्स मतलब बेसिकली दे आर सेइंग हाउ टू डू इट. हियर द टर्म टेक्निक इज हाउ टू डू इट. तो कैसे हम लोग हेल्थ वगैरह के ऊपर ध्यान दे सकते हैं? बोल रहे ड्रामा कराओ, सेफ्टी स्लोगन्स, क्विजेज, पोस्टर मेकिंग टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटेड टू सेफ्टी. नाउ यहां पे एक नया प्रैक्टिकल समझ आ गया है. दिस इज टोटली न्यू, दिस इज दिस वॉज नॉट एग्जिस्टिंग इन योर प्रीवियस कोर्स. परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन डीपीएम, जिसका एक कॉन्सेप्ट का नाम है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस. एक कैलकुलेशन है जिसका शॉर्ट में नाम है ओईई, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, जिसमें 6 मेजर लॉसेस को चेक किया जाता है. ये देखिए पहला 2 इक्विपमेंट फेलियर एंड सेटअप एडजस्टमेंट्स आर रिलेटेड टू टाइम. इसको हम लोग बोलते हैं इट इज कनेक्टेड विथ अवेलेबिलिटी रेशियो. देन आइडलिंग एंड माइनस स्टॉपेजेस एंड रिड्यूस स्पीड, दीज आर स्पीड रिलेटेड. एंड दिस इज बेसिकली परफॉर्मेंस रेशियो, या इसको एफिशिएंसी रेशियो भी बुलाते हैं. देन ये दोनों रिड्यूस यील्ड एंड क्वालिटी डिफेक्ट्स आर क्वालिटी रिलेटेड. इसको हम क्वालिटी रेशियो भी बुला रहे हैं. और ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी का परसेंट इज तीनों का मल्टीप्लीकेशन. ओई परसेंट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल 3. एक सजेशन दिया गया है स्टैंडर्ड नॉर्म कि ओई में हर एक का रेशियो का वैल्यू क्या आइडियल होता है, कि अवेलेबिलिटी 90% से ज्यादा हो, परफॉर्मेंस 95% से ज्यादा हो, तो क्वालिटी 99% से ज्यादा हो. एज अ कॉन्सिक्वेंस देयरफॉर तीनों को मल्टीप्लाई करोगे
तो ओईई 85% के अप्रोक्स आता है. तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 0.9 इंटू 0.95 इंटू 0.99. तो ओई 0.85 इज आइडियल. मतलब इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि देर कैन नॉट बी 100% इफेक्टिवनेस एवर. दिस ऑल्सो मीन दिस इज द वर्ल्ड क्लास लेवल. मतलब ये आ गया तो आप वर्ल्ड क्लास पे चल रहे हो. आपका इफेक्टिवनेस एक्चुअली इससे भी कम ही मिलेगा. मतलब आप ये अचीव करो, मतलब आप वही बिजनेस एक्सलेंस मॉडल चला रहे हो भाई, रोल मॉडल बने हुए दूसरों के लिए. ओके अब एक इलस्ट्रेशन है जो नया है, न्यू है, जिसको आपको करना है. यहीं पे पढ़ के मैं सॉल्व कर दूंगा, आप फिर सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ देख लेंगे. बहुत इजी है, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं. गोल्ड कोस्ट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स स्पेयर पार्ट्स. इट वर्क्स इन टू शिफ्ट्स ऑफ 8 आवर्स. ये टू शिफ्ट्स इंपॉर्टेंट है, ऑफ 8 आवर्स फॉर 6 डेज. ओके, तो टू शिफ्ट पर डे, 6 डेज में 12 शिफ्ट हो गए. इन अ वीक लंच ब्रेक इज 45 मिनट. तो दिस अफेक्ट्स अवेलेबिलिटी. अदर मिसलेनियस ब्रेक्स एड अप टू 25 मिनट्स. ऑफ कोर्स दिस इज पर शिफ्ट ना, लंच ब्रेक 45 मिनट्स एक शिफ्ट का होगा तो ये बोलने का जरूरत नहीं है. फॉलोइंग डिटेल्स आर कलेक्टेड फॉर द लास्ट 4 वीक्स. 4 वीक्स का कैलकुलेशन हो रहा है बाय द टीपीएम टीम फॉर वन ऑफ देयर इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट. जिसमें आवर्स ऑफ प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज 15 मिनट्स पर शिफ्ट. फॉर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, अच्छा 6 आवर टोटल, मतलब ये फॉर 4 वीक्स का टोटल है. क्योंकि दिन में 6 आवर ब्रेकडाउन थोड़ी होगा हर रोज. ये 15 आवर्स टोटल सेटअप चेंजेस इज फॉर 4 वीक्स. उसी तरह से पावर फेलियर 4 आवर्स टोटल इज फॉर 4 वीक्स पीरियड. देन वी हैव स्टैंडर्ड साइकिल टाइम पर पीस इज इक्वल टू 3 मिनट्स. स्टैंडर्ड साइकिल टाइम पर पीस इज इक्वल टू 3 मिनट्स. दिस विल एक्चुअली टॉक अबाउट एफिशिएंसी. आप देखिए ये सब जो टाइम रिलेटेड डिटेल्स था ना, वो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करेगा. ये अवेलेबिलिटी रिलेटेड है. स्टैंडर्ड टाइम विल एक्चुअली कैलकुलेट एफिशिएंसी यानी परफॉर्मेंस रेशियो एंड नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस्ड एंड पार्ट एक्सेप्टेड. ये क्वालिटी रेशियो हो गया. डिफेक्ट्स प्रोड्यूस के 120, एक्सेप्ट 115, तो ये डिफेक्ट्स आ गया. अब आपको तीनों का रेशियो बताना है. तो नेट अवेलेबिलिटी पहले देखिए, आप कितना परसेंट आप अवेलेबल थे. सो यू सी टू शिफ्ट्स ऑफ 8 आवर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड. उसमें आपका लॉसेस पर शिफ्ट क्या हो रहा है उसको देखते हैं. एक बार ध्यान से देखो कैसे वर्किंग करेंगे हम लोग. आप पहले मेरा कैलकुलेशन देखना, फिर आप सॉल्यूशन में नजर डालना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. आप देखिए यहां पे टोटल 4 वीक्स का लॉसेस को पहले पकड़ो. 15, 6, 21 और 4, 25. 25 घंटा का नुकसान हुआ कितना समय में? 25 घंटे का नुकसान हुआ कितने समय में? टोटल टाइम लॉस्ट 25 घंटा इज फॉर 25 कैसे निकाला मैं समझ गया क्या? 6 प्लस 15 प्लस 4 कितना में? 4 हफ्ता में. तो 4 हफ्ता में कितना शिफ्ट हुआ? नहीं, दिन का 2, 6 दिन का 1 हफ्ता है, तो 1 हफ्ते का 12, 4 हफ्ते का 48. तो अगर हम पर शिफ्ट निकालें, पर शिफ्ट ये आवर्स था, इंटू 60 कर दें, डिवाइड बाय 48 शिफ्ट कर दें, तो पर शिफ्ट मेरा टाइम लॉस क्या आ रहा है? 31.25 लॉस्ट हो गया. प्लस एक एक शिफ्ट का लंच ब्रेक जा रहा है विच इज कितना? 45 मिनट्स. प्लस एक शिफ्ट का मिसलेनियस ब्रेक्स जा रहा है,
25 सब मिला के कितना हुआ, और एक यहां पे 15 मिनट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में भी जा रहा है, मिसलेनियस ब्रेक कितना जा रहा है 25 मिनट, और एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में 15 मिनट जा रहा है, सब मिला के कितना मिनट हुआ 106, 16.25 मिनट्स, मिनट्स हम लोग वेस्ट करें पर शिफ्ट, तो एक शिफ्ट का आवर्स है कितना, आवर्स यानी मिनट्स अवेलेबल, टाइम अवेलेबल पर शिफ्ट कितना है, एक शिफ्ट में 8 घंटा है, टाइम अवेलेबल इज 8 × 60 मिनट्स अगर हम करें तो 480, 480 में 116 गया, सो एक्चुअल टाइम कितना आप वर्क कर सकते हो 363.75, तो आप इसका रेशियो बना दीजिए, ये अवेलेबिलिटी रेशियो आ गया, देयरफॉर अवेलेबिलिटी रेशियो इज डिवाइड करिए 75.78%। इसी तरह से दूसरा रेशियो आएगा एफिशिएंसी रिलेटेड, कि एक यूनिट बनाने के लिए 3 मिनट लगता है, तो 120 पार्ट आपने बनाया तो टाइम कितना लगना चाहिए 360, बट आप लोग काम कितना देर कर रहे हैं एक्चुअल टाइम 363.75, तो एफिशिएंसी रेशियो इज यू कैन से 360 का काम 363.75 में हो रहा है। इसका फॉर्मूला आप लोग को पहले से सिखाया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम, एफिशिएंसी तो बहुत बार आप निकाले अपने पढ़ाई में, कितना परसेंट आया 98.97%। एंड देन क्वालिटी रेशियो में आप देखिए 120 बनाया बट 115 एक्सेप्ट हुआ, तो 115/120 90.5.83, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो OEE आ जाएगा। अब आप सॉल्यूशन देख लीजिए, मिल गया, ठीक से ही दिया हुआ है, अच्छा से ऑर्गेनाइज करके दिया हुआ है, सॉल्यूशन अच्छे से दिया हुआ है। वो 48 शिफ्ट पहले निकाला ये लोग, फिर लॉस ऑफ टाइम 116.25 निकाल दिया पर शिफ्ट, बस एक ट्रिक था प्रेजेंटेशन में, पर शिफ्ट पे ले आना चाहिए, अब आप यहां पर शिफ्ट में नहीं लाते तो फंस जाते, क्योंकि सब देखिए ना ज्यादा से ज्यादा डिटेल्ड ये सब पर शिफ्ट दिए हुए हैं, सो इफ मोस्ट ऑफ द डिटेल्स आर पर शिफ्ट यू शुड ब्रिंग ऑल डिटेल्स पर शिफ्ट। हो गया, देन फ्रेंड्स वी हैव TQM वर्सेस TPM, कि हाउ दे आर कनेक्टेड, कैन यू टेल मी विदाउट रेफरिंग हाउ दे आर कनेक्टेड, दोनों में कॉमन चीजें क्या हैं, ऐसी जो सुने 2-3 दिन में उसी से ही बता सकते हैं, हाँ ये बोल सकते हैं। अच्छा आपने बोला कि सर TQM तो डिफेक्ट रिड्यूस कर रहा है और TPM ब्रेकडाउन्स रिड्यूस कर रहा है, तो TPM का वैसे डिफरेंट फोकस था, कस्टमर फोकस जो TQM में भी था, एम्प्लॉई मोरल TQM में भी था, क्वालिटी सर्कल्स के थ्रू ट्रेनिंग देने का, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट एंड रिजल्ट दोनों का एक है, ठीक, और कोई पॉइंट, तो ये फर्स्ट पॉइंट है, आई विल से दे ब्रिंग सेम एंड रिजल्ट्स। दूसरा टोटल मतलब क्या था, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट चाहिए ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि आपको फंडामेंटल ट्रेनिंग दोनों में जरूरत होती है देने की, उधर क्वालिटी के बारे में पढ़ाना पड़ता है और इधर मेंटेनेंस के बारे में पढ़ाना पड़ता है। और दोनों चीज में ना पेशेंस चाहिए, रिक्वायर्स पेशेंस, आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, यू कैन नॉट गेट एनी इंस्टेंट रिजल्ट, इट विल टेक टाइम टू ब्रिंग रिजल्ट्स फ्रॉम हियर।
कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, वो मैंने वहां पे बोल ही दिया, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स बोथ. Okay. Now next is cellular manufacturing or one piece flow production system. Cellular manufacturing मैंने आपको बता ही दिया है कि यहां पे similar machines को group करो. It encompasses a group technology. अब मजा का चीज देखिए, आपका SFM में भी ये किया हुआ है और cost में किया हुआ है. एक मजा का चीज दिखाते हैं. गूगल मारते सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, विकिपीडिया, कैसे इंस्टीट्यूट ने मैट बनाया है, पढ़िए आपने. सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विच इज अ सबसेक्शन ऑफ JIT एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग फुल स्टॉप. और यहां पे सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है. इट एनकंपैसेस ग्रुप टेक्नोलॉजी था और यहां एनकंपैसिंग ग्रुप टेक्नोलॉजी. फिर नेक्स्ट लाइन, द गोल ऑफ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग इज टू, वहां पे डैश मार के नंबर ए, टू मूव एज क्विकली एज पॉसिबल. देख रहे हैं, कॉमा, सेकेंड पॉइंट, बेकार खाम खा आप लोग बोलते हैं मैट नहीं है, मैट नहीं है, मैट नहीं है. टॉपिक दे दिया बस पढ़ो, मैट में किया क्या है लोग. Make a wide variety of similar products while making as little waste as possible. पूरा डिट्टो है, पूरा डिट्टो है. और SFM में भी सारा टॉपिक इन्वेस्टोपीडिया से छापा हुआ है. हाँ, एक जगह तो मैंने भी पढ़ा था, वो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में एज पर इन्वेस्टोपीडिया ही लिख दिया. मतलब जैसे छापने वाला अपना अकल भी तो लगाएगा, एज पर विकिपीडिया लिख देगा क्या, एज पर गूगल बाबा बिब्लियोग्राफी लिखते हैं ना हम लोग, कहां कहां से सर्च किया है. और मैंने तो दिखाया आपको कुछ कुछ, तो वो EFQM पूरा दिखा दिया वेबसाइट से, डायग्राम से ही छाप दिया आपने, ठीक है. और ऊपर से फिर क्या है ना, तकलीफ किसी चीज का नहीं है. तकलीफ मेरे को क्या हुआ, ऊपर से ये बुक का टाइटल, आपके पास बुक है ना हाथ में, देखिए वहां लिखा हुआ है डिस्क्लेमर, कॉपीराइट क्लेम लिखता है, देखिए है क्या. हाँ, कि नो पार्ट ऑफ दिस बुक कैन बी कॉपीड रिप्रोड्यूस. जैसे आपने बहुत रिसर्च किया है, हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है हमारा, कॉपी मार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गए हम ही हम है. मेरे को डर नहीं लगा, हम तो नया मैट बना दिया अभी, नया सिलेबस का नेक्स्ट बैच पूरा नया मैट से हो रहा है. द एंटायर मैट हैज चेंज्ड और अपन भी खुल के छापी से. क्या डरना, डरने का काम क्या है, खुल के छापा है अपन, चेंज ही नहीं किया कुछ भी, माथा ही नहीं मानना है. देख लिया ना आपने कैलकुलेशन, कोई चैलेंज करेगा तो भैया आप भी अपना इंटेग्रिटी दिखाइए, आप कहां से लाए हैं. हम भी यही बोलेंगे ना, हम तो यहां से नहीं छापे, हम तो विकिपीडिया से लिए, तो मैच कर रहा है. हम तो EFQM का वेबसाइट से लिया, आपका यहां से कौन लिया. आइए चैलेंज करिए. गजब ही दुनिया, पूरा एकदम वर्ड टू वर्ड छापा हुआ, वर्ड टू वर्ड, खाली पैरा चेंज है और सेंटेंस चेंज है. देखिए यहां पे फिर क्या बोल रहे हैं, टू अल्टीमेटली आप अपना पर्पस सॉल्व करिए, टू मूव एज क्विकली एज पॉसिबल, मेक अ वाइड वैरायटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स, एज लिटिल वेस्ट एज पॉसिबल. ये एक वाइड वैरायटी का पॉइंट में कंफ्यूजन आता है. जनरली अगर आप JIT का पॉइंट वहां पे देखें तो वहां लिखा था लो वैरायटी, और यहां पे लिख रहा है वाइड वैरायटी ऑफ, लेकिन किसका,
ऑफ ऑफ ऑफ, ये एक वर्ड ही पूरा गेम चेंजर है। वहां पे लो वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स था, वहां पे लो वैरायटी ऑफ गुड्स मतलब था कि अलग अलग प्रोडक्ट बहुत सारे नहीं बनाओ, बट एक ही प्रोडक्ट का अगर वेरिएशन डालना है तो बना ही सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव होता है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का कि इंटरनल मूवमेंट टाइम खत्म हो जाए। ग्रुप कर दिया मशीनरी तो सारे रिलेटेड चीज आमने सामने ही है और आपका काम इजिली हो जाए बिना ज्यादा मूवमेंट किए, ठीक। और एज लिटिल वेस्ट, मतलब वेस्ट के वही सात नाम है, वो सारों को फोकस करके रिड्यूस करना है। और ये एग्जाम्पल इसका है असेंबली लाइन, मेन एग्जाम्पल है इसका असेंबली लाइन। इन द असेंबली लाइन मल्टीपल सेल्स आर यूज्ड, ईच सेल कंप्राइजेस ऑफ वन और मोर मशीन्स विच अकम्प्लिश अ सर्टेन टास्क, द प्रोडक्ट मूव्स फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट। ये दे आर एक्सप्लेनिंग द असेंबली लाइन, ईच स्टेशन कंप्लीटिंग पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जनरली सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में वी प्रेफर दैट असेंबली लाइन शुड बी डिजाइंड लाइक दिस यू शेप्ड। वॉट इज द एडवांटेज इफ इट इज यू शेप असेंबली लाइन, कि इधर एक आदमी है, इधर एक आदमी है, इधर एक आदमी है, इधर एक आदमी, ऐसे करके अगर बना दिया जाए तो इसका एडवांटेज क्या है कि सुपरविजन ईजी होता है, कि एक सुपरवाइजर अगर यहां खड़ा हो जाए तो चारों तरफ देख सकता है कि क्या हो रहा है ना। तो असेंबली लाइन में ये जो यहां पे पॉइंट है यू शेप डिजाइन इज गिवन बिकॉज दिस अलाउज फॉर सुपरवाइजर टू मूव लेस एंड हैव द एबिलिटी टू मोर रेडिली वॉच ओवर द एंटायर प्रोसेस। आई थिंक सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी ज्ञान लिखना हो तो यू शेप डिजाइन जरूर बताना चाहिए, ऐसे बना लीजिए ना, याद रहेगा आपको। सुपरवाइजर के लिए इजी है टू वॉच ईच एंड एवरी स्टेप एंड टू हेल्प एनी वेयर द हेल्प इज रिक्वायर्ड। इसमें मेन एडवांटेज बोलते हैं कि इस फोकस से उसको बनाना चाहिए कि यू शुड हैव हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आया तो ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, बिकॉज इफ यू मेक वन थिंग एंड अगेन इफ यू वांट टू चेंज दिस लाइन टू मेक अनदर थिंग, इफ इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम देन सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम विल जनरेट लॉट ऑफ वेस्ट। Okay, a cell is created by consolidating the processes required to create a specific output. Consolidation is the keyword. Consolidating the processes required to create a specific output. Iska fayda kya hai? Facilitate quick identification of problems. Encourage communication of employees within the cell. Bolte hai, isse na employee ka cohesiveness badhta hai. एक दूसरे के प्रति चाहत बढ़ती है क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप देखिए तो इंप्लॉई में बॉन्डिंग ज्यादा आ जाती है। इफ यू हैव वन असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट लाइक दिस तो सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो सब में कोहेसिवनेस रहता है कि वी बिलोंग टू सेम असेंबली लाइन। इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस में देखिए स्टेप नंबर वन ये है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट पार्ट्स। इसमें डिफरेंट पार्ट्स आप आइडेंटिफाई करो। स्टेप नंबर टू हम लोग बोल रहे हैं उसको ग्रुप करो, ग्रुपिंग करो। एंड ग्रुपिंग करने के लिए क्या क्या लगेगा वो सोचो, लेआउट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा है, उसके ऊपर ग्रुपिंग करिए। ग्रुपिंग बेस्ड ऑन लेआउट और प्रोडक्ट डिजाइन, ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन लेआउट और प्रोडक्ट डिजाइन और कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड, टाइम, दीज आर द पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन माइंड फॉर ग्रुपिंग। And to understand this, you actually have several algorithms. Step 3 में ये बात बोल रहा है कि to understand this, you actually have several algorithms. ये मान लीजिए step 3 है,
जो आपको ये सब पैरामीटर में हेल्प करेगा. देर आर सेवरल मैथमेटिकल मॉडल्स एंड एल्गोरिदम्स टू एड इन प्लानिंग. उसको यूज करिए. एंड स्टेप नंबर 4, ऑब्वियसली आप चूज द बेस्ट. यहाँ पे चूज द बेस्ट वन विच विल एक्चुअली रिड्यूस ऑल द वेस्टेजेस. सारा एनालिसिस करके आफ्टर ऑल एनालिसिस आप अपना बेस्ट वन चूज कर लीजिए. मतलब पहले फ्रैगमेंट्स जानने होंगे, फिर ग्रुपिंग करने होंगे, फिर ग्रुपिंग करते वक्त बहुत सारे फैक्टर्स को इवैल्यूएट कंसिडर करना है. लेआउट, प्रोडक्ट, टाइम, कॉस्ट. ओके. एंड आफ्टर दैट यू आर टू चूज द बेस्ट वन. नाउ डिफिकल्टीज इन क्रिएटिंग फ्लो, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग. डिफिकल्टीज इन क्रिएटिंग फ्लो में अगर कोई एक्सेप्शनल एक्टिविटी आ गया तो फ्लो टूट जाएगा. तो ये सब छोटा छोटा हर्डल्स है जिसके लिए आपको प्लान बी तैयार रखना पड़ेगा. मशीन लोकेशन रिलोकेशन हुआ तो खत्म हो गया, पूरा फ्लो ही टूट जाएगा. मशीन डिस्टेंस पे रखना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट नेचर ऑफ मशीन. टू मशीन्स कैन नॉट बी टुगेदर. तो वो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का फ्लो बनेगा नहीं. ठीक है. और भी एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे पार्ट रूटिंग. रूटिंग मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब स्टेप वन अगर करना है, जैसे ये फ्लो बनाया ना, अब स्टेप वन यहां पे है बट स्टेप टू मान लीजिए यहां पर है, तो गड़बड़ हो जाएगा बिकॉज आपके तो सेवरल स्टेशंस हैं यहां पर. तो पार्ट का रूटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर रूट नहीं हो पा रहा तो देयर विल बी अगेन ट्रबल. पार्ट रूटिंग इज एन एक्सेप्शन. इफ इट फ्लोज इन अनदर डायरेक्शन देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम. देन सेल लोड वेरिएशन. लोड मतलब होता है, लोड मतलब क्या होता है? हाँ, वजन. वजन नहीं बोलते, बोलते लोड. मतलब हम लोग बोलते फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्क. एक सेल पे कितना लोड पड़ रहा है. अब एक सेल बीच में ऐसा आ गया जिसपे ज्यादा काम आ गया या ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स उसको प्रोसेस करना पड़ता है या ज्यादा स्टेप्स उसको करने पड़ रहे हैं. ओके. तो ऑब्वियसली देयर विल बी ट्रबल. इंटर एंड इंट्रा सेलुलर मटीरियल ट्रांसफरिंग. अब एक सेल से एक, ये सेल है पूरा, ये यू शेप्ड एक सेल है. अब इससे दूसरा में जाने का है तो ट्रांसफर अगर डिस्टेंस पे है तो अफेक्ट कर जाएगा सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. सेल रिकॉन्फिगरिंग, डायनामिक पार्ट डिमांड्स एंड ऑपरेशन एंड कंप्लीशन टाइम्स. ओके. बेनिफिट्स एंड कॉस्ट आर बेसिकली योर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दे आर टॉकिंग विच यू कैन राइट योर सेल्फ बट ऑल्दो आई विल हेल्प यू. बेनिफिट में नंबर ए व्हाट दे आर सेइंग इज सेल रिड्यूसेस फ्लो टाइम, फ्लो डिस्टेंस, फ्लोर स्पेस, इन्वेंट्री हैंडलिंग, शेड्यूलिंग ट्रांजेक्शंस एंड स्क्रैप एंड रीवर्क. बेसिकली नंबर ए यू कैन से इट रिड्यूसेस व्हाट, वेस्ट. जो 7 वेस्ट आपको सिखाए गए थे. और दूसरा वो यू शेप होने के कारण फायदा क्या था? हाँ, यू शेप होने के कारण अंडर परफॉर्मेंस कैन इजिली बी ट्रैक्ड. दैट आर अंडर परफॉर्मिंग कैन बी इजिली आइसोलेटेड एंड टारगेटेड फॉर इंप्रूवमेंट. नेक्स्ट, तीसरा एडवांटेज है कि ग्रुप कोहेसिवनेस बढ़ता है. इंप्लॉय का एक दूसरे से लगाव बढ़ता है. बोलते हैं चाइना में ये सब काम इतना जोर से होता है कि चाइना में जो वर्कर है वो सब वर्कर जनरली देखे गए हैं यंगस्टर्स हैं 12 से 18 साल के. कैन यू इमेजिन, यंगस्टर्स हैं सिर्फ असेंबली लाइन के वर्कर्स जो स्टेप्स का परफॉर्म कर रहे हैं 12 से 18 साल के बीच में मैक्सिमम. तो उनको तो दोस्त चाहिए जिंदगी जीने के लिए. बोलते हैं उनका दोस्त, इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री है ना, उनका दोस्त लोग में सिर्फ उनका असेंबली लाइन का जो उनका जो सेल का जो 2-4 वर्कर है वही उनका दोस्त है. बस उनसे उनकी जिंदगी चल रही है.
एंड दे आर सच सो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कि अगर वो ये काम नहीं करेंगे ना तो उनके पास खाने के पैसे नहीं है, तो वो मजबूर होके 14-14 घंटे 15-15 घंटे वो 12-14 साल के बच्चे काम करें जिसमें दिमाग लगाने का काम ही नहीं, और सच मोनोटोनस जॉब कैन यू इमेजिन, खाली नट टाइट करना है, सारा दिन एक ही काम है नट टाइट नट टाइट नट टाइट, सच मोनोटोनस जॉब एंड दे आर लेफ्ट नो अल्टरनेटिव, और रहने वहने के लिए भी कोई वर्किंग एनवायरमेंट उनको बहुत अच्छा नहीं मिला हुआ है, एक एक डॉर्मेटरी दे देते हैं जिसमें एक एक रूम में 7-8 लोग रहते हैं और वही 2-tier bed वाला ऊपर ऊपर सो, एंड दैट इज ऑल पेड डॉर्मेटरीज, वेजेस से काट लिया जाएगा, सो दैट इज अगेन एडवांटेजेस भी है तो डिसएडवांटेजेस भी है। अच्छा नेक्स्ट एक और डी नंबर, वर्कर्स अपने आप मोर इजिली, ये देखिए कोहेसिवनेस वर्ड मैंने दिखा दिया, वर्कर्स कैन मोर इजिली सी प्रॉब्लम्स और पॉसिबल इम्प्रूवमेंट्स विद इन देयर ओन सेल्स, तो ये डी नंबर बेनिफिट है, वर्कर्स कैन इम्प्रोवाइज क्या बोले ऑटोनॉमसली, किसी सुपरवाइजर के हेल्प के बिना, वो सब एक दूसरे को देख तो पा ही रहे हैं तो दे कैन हेल्प ईच अदर, और इसके डिसएडवांटेजेस यहां पे बता रहे हैं इस लास्ट पैरा में, डिसएडवांटेजेस ऑफ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। अभी देखिए फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट एक रेज तो किया गया था बट फैक्चुअली असेंबली लाइंस उतना फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर नहीं करता, अगर एक आदमी को बोले पूरा काम कर दो तो वो ज्यादा डायनामिक होता है, आपको याद है वो फोर्ड इंप्लॉइज याद आ रहा है रूजवेल्ट के जनरेशंस जो बता रहा था कि और लास्ट में ह्यूंडई का भी वो ओपिनियन था कि ह्यूमंस आर ऑलवेज मोर डेक्स्ट्रस देन रोबोट्स, याद है वही चीज बता रहे कि सेल मैन्युफैक्चरिंग में एक्चुअली इंसान को रोबोट बना दिया जाता है, रिपीटेटिव टास्क करते रहो तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कम एक्सेप्ट करता है, जो आदमी एक ही काम हमेशा करेगा वो ऑब्वियसली नया काम करने में डरेगा। इसी को जापानीज लोग ओवरकम कैसे किए थे, बाई रोटेटिंग इन देम इन टू सेवरल स्टेप्स, अदर स्टेप्स में उनको रोटेट कर दो, लेस फ्लेक्सिबिलिटी फॉर न्यू पार्ट्स, एंड अगर प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ तो Not suitable for low demand. ये सब method किसके लिए सही है, mass production के लिए, not suitable for low demand. High demand चीजें हैं तो आप ये sell system में आइए तो investment भी worthwhile लगेगा। Okay. Next, Six Sigma. सिक्स सिग्मा ऑलरेडी काफी आप जानते हो, जीरो डिफेक्ट बनाना है सीधा सा बात, एक्चुअली वो एक मैथमेटिकल मेजर है जो बिल स्मिथ नाम के एक साइंटिस्ट ने मोटोरोला में खोजा था, जिसका यहाँ पे बताया इंजीनियर साइंटिस्ट नहीं इंजीनियर ने खोजा था, बिल स्मिथ नाम के इंजीनियर ने मोटोरोला में इंट्रोड्यूस किया था इन 1986, फिर उसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक ने 95 में अडॉप्ट किया तो वो पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया था अपने लिए कि हम लोग कहां तक जाके सोचेंगे, एंड दैट वाज अ सिक्स सिग्मा लेवल डिराइव्ड फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इफ यू रिमेम्बर दिस वी हैव डन इन आवर क्लासेस, इसमें एरिया डिस्ट्रीब्यूशन का एक मार्किंग होता है सिग्मा लेवल्स, तो इधर है सिग्मा इधर है माइनस सिग्मा, ऐसे करके ये सिक्स सिग्मा तक गए, और सिक्स सिग्मा तक जाने से ये जो एरिया कवर हो रहा है ये आपका नो डिफेक्ट एरिया है, जो लेफ्ट आउट एरिया है वो आपका समझ लीजिए डिफेक्ट एरिया है, सिर्फ इतना ही डिफेक्ट एरिया है, दैट वाज सिक्स सिग्मा कि डिफेक्ट्स एकदम मिनिमाइज कर देना है, और इसका मेजर स्टेटिस्टिकली निकाला गया था और उसका ये टेबल यहाँ पे अच्छा से दिया हुआ है, ये एक यूनिक चीज है जिसका मेजर मैंने भी क्लास में आपको हल्का सा बताया था 3 sigma, 5 sigma, 6 sigma का, और इसमें 6 sigma में अल्टीमेटली आता क्या है, इट इज 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन, 3.4
3.4 defects per million, which is near to perfection, which is as good as there is no defect. Now, to implement Six Sigma, they are saying two methodologies. Number one, DMAIC, and number two, DMADV. You remember the full form? Define, measure, analyze, improve, control. And here, define, measure, analyze, design and verify. Design and verify the design. Now, how they are different, can you tell me? If you have any idea. Existing ke liye, very nice. Aur ye pura new design bana rahe. It is creating a new thing to improve. And DMAIC is for existing things, how you can keep a control. Matlab isme cost control pe jyada focus hai, ya waste control pe jyada focus hai, ya defect control pe focus hai, isme elimination pe jyada focus hai. Elimination pe jyada focus hai. अब यहाँ पे इसके सारे दिए हुए हैं, ये ब्रीफ आइडिया तो हो गया, बट यहाँ पे DMAIC का चार्ट दिया हुआ है. डिफाइन में डिफाइन द प्रॉब्लम, गोल्स एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट, मेजर द प्रोसेस टू डिटरमाइन करेंट परफॉर्मेंस. इसमें मेजरमेंट के लिए स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशंस आपको करने चाहिए कि आपके यहाँ पे कितने नुकसान होने की संभावना है. ऑलरेडी आपके जो सिस्टम है उसमें आप कितना परसेंट लॉसेस सोच रहे हो कि हो सकते हैं. देन एनालाइज द प्रोसेस टू डिटरमाइन द रूट कॉजेज ऑफ वेरिएशन एंड पुअर डिफेक्ट्स. देन इंप्रूव द प्रोसेस एंड कंट्रोल मींस मेंटेनिंग द इंप्रूव्ड प्रोसेस एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस. कि आप जो डिफाइन किए हो, डिफाइन करना मतलब होता है इट्स लाइक सेटिंग स्टैंडर्ड्स कि आपको क्या चाहिए. एंड मेजर मींस लाइक finding the actuals, you are checking your actuals. Analyzing is to find out the variation and you can say and reasons for the variations. And improve is the corrective actions which you are suggesting to eliminate the variations. And control is basically to keep it continuous. Now, where you can use this DMAIC, उसके लिए ये पैरा है. It is used under following circumstances, that is preconditions, pre-requirements for DIC, pre-requirements of DMAIC, prerequisites of DMAIC, कि a product or process should already exist. And the project is part of an ongoing continuous improvement process. इसमें नया नहीं कुछ कर रहे, जो चल रहा है उसमें add on कर रहे. And इसमें सिर्फ एक ही process की बात आएगी, single process को आप alter कर रहे हो. Competitor का action आपके लिए मायने नहीं रखता, customer behavior मायने नहीं रखता, technology मायने नहीं रखता. These three are constants. You can say three constants are there. थ्री कॉन्स्टेंट्स है. कॉम्पिटिशन का इफेक्ट नहीं. क्योंकि कॉम्पिटिशन का इफेक्ट होता है ना, तो आपको हो सकता है पूरा डिजाइन चेंज करना पड़े. और कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है तो डिजाइन चेंज करना पड़ेगा. टेक्नोलॉजी अगर अनस्टेबल हो गया तो डिजाइन चेंज. इफ दिस थ्री वेरीज तो आपको DMADV में जाना पड़ेगा. इफ दिस थ्री वेरीज तो आपको DMADV में जाना पड़ेगा. तीनों कांस्टेंट है तो DMAIC में चला सकते हैं. ठीक है, यहां पे एक केस स्टडी है जो उसको मुझे कुछ अपने तरफ से बताने का नहीं लगता. आप बस इसको पढ़ लेंगे, जब आप इसको रीड करेंगे तो काम हो जाएगा. जैसे हाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. Now there is a banking company, they'll take up a story that there is a banking company who is eager to focus on the customer needs. They already have this system and processes. Now they want to implement Six Sigma. So suggest how they can. So since their focus is on
इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग प्रोसेस यू विल राइट अबाउट DMAIC. Question will won't be apply DMAIC on them. Question will be they want to implement Six Sigma methodologies. Okay, so DMAIC कैसे होगा? तो define के लिए customer satisfaction level and loyalty वगैरह आप वो define करेंगे. फिर किस तरह से देना चाह रहे हैं उसको measure करेंगे या देते हैं उसको measure करेंगे. ठीक है, फिर वही जो मैंने आपको एकदम simple भाषा में बता दिया यहाँ पे setting standards, actuals, वेरिएशन, फिर देखेंगे, फिर उसको करेक्टिव एक्शन लेकर कंटिन्यूअसली इंप्लीमेंट करेंगे. देन DMADV में आप देखिए वही चीज है. इसमें डिफाइन मींस सेट, यू कैन से रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू डिजाइन, क्या रिक्वायरमेंट्स इन न्यू डिजाइन है वो बताइए. ठीक है, and then see how actually the need would be met through your design. Measure the need. Then after this, analyze the process and options to meet the customer demands. Identify different options. Then design matlab actually design the process or product. And lastly, it is verify the design, whether it is actually meeting the requirement or not. Dekho, define, measure, analyze same hai, but thoda sa contextual farak hai. Wahan pe kya define kar rahe the? कि एग्जिस्टिंग में क्या इंप्रूवमेंट लाना है. इधर सेट स्टैंडर्ड्स फॉर इंप्रूवमेंट्स था, ठीक है, और इधर अभी सेट स्टैंडर्ड फॉर न्यू प्रोसेस या न्यू रिक्वायरमेंट क्या आ रहे हैं. न्यू डिजाइन, डिजाइन ऑफ प्रोसेस की बात होती है जनरली यहां पे. सिक्स सिग्मा इज मोर फोकस्ड ऑन प्रोसेस, नॉट ऑन प्रोडक्ट. तो सेट न्यू डिजाइन ऑफ प्रोसेस, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू डिजाइन ऑफ प्रोसेस, कि उससे आप क्या क्या चाहते हो. Then measure the need of the customers that will be fulfilled by the process. Need of whom? Of customers that will be fulfilled by that process. Okay, then identify different options of designs and design the process, get the product, and then verify whether the product or the process is actually able to fulfill the demand or not. Aap ek basic cheez likh ke rakh sakte ki Six Sigma is actually focused on improvement of process. Six Sigma is on process improvement. Six Sigma is on process improvement. It is not creating the things newly. Dhyan rahe, it is not creating new things totally, not creating new generally. It is on improvement ideas. Not creating new generally, but if you feel that technology has changed, if you feel that competitors' actions are changing, if you feel that customer behavior are changing, then you go for design change of your process. Okay, not creating new generally unless wo competition, technology, or customer's behavior is varying. Customer behavior is changing. Not creating new generally unless competition, technology, and customer behavior is changing. ठीक है, तो उसमें DMAIC तो existing को improve करने के पीछे पड़ा है. DMADV में जब वो तीन चीज constant नहीं है तो हम नया process designing पे लग जाते हैं. Similarities आपको पढ़ लेना चाहिए. अच्छा, DMADV में अ प्रोडक्ट और प्रोसेस शुड नॉट बी इन एग्जिस्टेंस, प्री रिक्विजिट्स वापस से आ रहा है.
existing process can be optimized using DMAIC or some other system. Project has strategic importance because वही three reasons है, technology, competition और customer behavior. यहाँ पे multiple process can be altered because you are basically changing the entire thing. अब वही तीन आ गया, देखो three variations. Consumer behavior change हो रहा है, competitions, performance change हो रहा है, technology change हो रहा है, इसलिए आपको DMADV में जाना पड़ रहा है. तो डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं ना. अच्छा, पहले सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों सिक्स सिग्मा पे काम कर रहे हैं, मतलब दोनों डिफेक्ट रिडक्शन के पीछे पड़े हैं. दोनों में कस्टमर नीड्स भी प्राइमरीली फोकस्ड है. अब डिफरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली ये टेबल पढ़ने से ही सारा आइडिया लग जाएगा. डीएमएआईसी रिएक्टिव है, डीएमएडीवी प्रोएक्टिव है. डीएमएडीवी से आप अपना कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, बट डीएमएआईसी से कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं. तो ये उसी का ही कंपैरेटिव स्टडी है, इसमें मेरा ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. Then the quality management tools is basically the tools to measure the present performances, present defects. अब हो सकता है आपका PM में इसके ऊपर सम डाल दे. I don't know. ये actually हम लोग CMA final वाले students के mat में already पढ़ाते हैं. क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स का कॉन्सेप्ट CMA फाइनल में तो ऑलरेडी है, उनका एक पेपर है SPM, उसमें ऑलरेडी है. बट आपके लिए वो कितना सम्स वाइज रेलेवेंट है दैट वी डोंट नो. ये सब स्टैट्स है, कंट्रोल चार्ट उनके सिलेबस में आता है, हिस्टोग्राम स्टैट्स में पढ़ाते थे. परेटो एनालिसिस आपको आता ही है, कंट्रोल चार्ट छोड़िए, आपको एक परेटो एनालिसिस तो आता ही है. रेस्ट ऑल एक्चुअली हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बट ये सब ट्रिक्स है जिससे आप एक्चुअली मेजर करते हो. दीज आर टूल्स टू मेजर. वो DMAIC और DMADV में जो मेजर वर्ड था, वो मेजर करने के लिए आपका ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है, जिसमें परेटो डायग्राम इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो. नाउ रेस्ट ऑल यू हैव टू मेमोराइज थियोरेटिकली. ये सब स्टेटिस्टिकल टूल है, कंट्रोल चार्ट है, हिस्टोग्राम है, प्रोसेस मैपिंग है. देखिए, जो अभी फ्लेवर है क्वेश्चन का थ्योरी में, वो ऐसा नहीं है कि क्या तो कंट्रोल चार्ट बनाने देगा. ये सब बहुत ट्रेडिशनल हो गया. आप ये सब कौन बनाएगा एज अ इतना सीनियर लेवल का पढ़ाई जब आप करो, तो ये सब चार्ट बनाने का काम आपको नहीं आएगा. हाँ, ये जरूर है कि क्वेश्चन में आस्क यू हाउ कैन वी मेजर, व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स अवेलेबल, तो यू हैव टू सजेस्ट द नेम्स. देन लिमिटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा. लिमिटेशंस ऑफ सिक्स सिग्मा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सिक्स सिग्मा की लिमिटेशंस क्या है, कि इट इज फोकसिंग ओनली ऑन क्वालिटी, इट इज नॉट वर्किंग ऑन अदर इंटेंजिबल रिजल्ट्स, सब्सटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, सिक्स सिग्मा इज कॉम्प्लिकेटेड फॉर सम टास्क, नॉट ऑल प्रोडक्ट्स नीड टू मीट सिक्स सिग्मा स्टैंडर्ड्स, सब में उतना डिफेक्ट जीरो करना जरूरी नहीं होता. सिक्स सिग्मा फोकसेस ऑन स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसेस ओनली, and there are lot of real time barriers which need to be resolved while translating the theoretical concepts into practical applications. ye thoda theory ke tarah hi hai, practical isme thoda kam samajh mein aata hai. koi bhi bol dega koi bada cheez ko sikhne ke baad wo complex hota hai, wo highly investment mangega. koi bhi ek chhota company chalane wala ko agar aap ja ke bada bada six sigma principle samjhaoge to pehle hi usko unwillingly sunta rahega कि अरे ये कैसे होगा, इतना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, ये कैसे होगा, हमारा कस्टमर नीड अलग है. सब अलग अलग तरह से ज्ञान देंगे, ये प्रोडक्ट में इतना डिफेक्ट के पीछे पड़ेंगे तो डिले हो जाएगा, और भी बहुत सारा लंबा लिस्ट बनाया जा सकता है. डिले हो जाएगा और उसके बाद खाली कस्टमर फोकस सोचेंगे तो इम्प्लॉई को सैलरी कौन देगा, पता चला कस्टमर ये चाहता है, हर कस्टमर का नीड अलग अलग को एकोमोडेट कैसे करेंगे. देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन एवरी न्यू थिंग दैट यू डू. So you have to understand before implementing it whether you actually need it or not. Now Lean Six Sigma is basically a combination of Lean system
एंड सिक्स सिग्मा. और एक्चुअली आप पढ़ रहे हो मेरे से अभी सिक्स सिग्मा इन द नेम ऑफ क्या पढ़ रहे हो आप? लीन सिस्टम का टेक्निक को पढ़ रहे हो. तो लीन सिस्टम विथ सिक्स सिग्मा मीन्स इट वुड बी बेसिकली फोकसिंग ऑन क्वालिटी विथ रिडक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ वेस्ट. मतलब प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स टू रिड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट. By using Lean Sigma, organization will be able to maximize profit, build better teams, minimize costs, satisfy customers, and so. मतलब कुछ ऐसे आपको इतना देखिए इतना रीडिंग पेज टू पेज करने का फायदा क्या होता है ना कि आई एम श्योर कि आप निहत्ते नहीं रहोगे. आपके दिमाग में इतने वर्ड्स भर चुके हैं. बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ लैंग्वेज बोलता है लॉ ऑफ लैंग्वेज. इफ यू हैव 1000 पैसिव वर्ड्स इन योर ब्रेन यू हैव 1 एक्टिव वर्ड. दैट इज लॉ ऑफ लैंग्वेज. जैसे हम लोग जितनी भाषा जो भी बातचीत भी करते हैं ना अगर हमारे दिमाग में 1000 शब्द हैं तो हम एक शब्द बोलते हैं बाकी 999 दिमाग में ही खो जाता है. ओके सो दैट्स द थिंग. जनरली क्या होता है विथ एज अगेन द वर्ड्स यू से हैव टेंडेंसी टू बिकम लेसर एंड लेसर एंड लेसर. जैसे एक छोटा बच्चा को अगर देखेंगे उसके दिमाग में 1000 है तो 900 बोल रहा है. एक छोटा बच्चा में 1000 दिमाग में 900 बोल रहा है. बट विथ एज क्या होगा उसका दिमाग पॉपुलेट होगा और ज्यादा वर्ड्स घुसेंगे तो बोलना कम करेगा. बुजुर्ग लोग बोलने ही नहीं चाहते सब चीज जानते उनसे 10 बार पूछो तो हाँ बोल देंगे. क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज विथ एज टेंडेंसी टू स्पीक गेट्स रिड्यूस. बट आपको अपना अभी जो कैपेबिलिटी अपने अंदर लाना है वो ये लाना है कि आप इतने कीवर्ड्स पढ़े लीन सिस्टम के बारे में तो एक तो ये समझ में आ गया सिक्स सिग्मा तक पढ़ पढ़ के कि हर लीन सिस्टम का ज्ञान में एक ही बात आ रहा है 7 वेस्ट को रिड्यूस करें. तो एडवांटेजेस लिखना इज नो बिग जॉब. नाउ डिसएडवांटेजेस में थोड़ा सा ध्यान देना है सिचुएशन ओरिएंटेड. जैसे DMAIC का डिसएडवांटेजेस में आपको एग्जिस्टिंग प्रोसेस को फोकस करके बताना है. डिसएडवांटेजेस में थोड़ा सा केयरफुल होना. एडवांटेजेस लिखना तो कॉमन फीचर्स में एडवांटेजेस आ जाएगा. ठीक है. फिर विप्रो का एक केस स्टडी दिया हुआ है कि विप्रो इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू अडॉप्ट सिक्स सिग्मा और ये मुझे बहुत ही फर्जी लगता है. ये कहां से उठाया मुझे मालूम नहीं. आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस. मुंबई डब्बा वाला दे एग्जिस्ट मच मच वे बिफोर देन विप्रो. ठीक है. तो इंप्लीमेंटिंग सिक्स सिग्मा दे हैव ऑलरेडी डन विदाउट बींग एजुकेटेड. दे हैव ऑलरेडी डन दिस. वी हैव ऑल्सो शेयर्ड विथ यू इन क्लास. सो ठीक है अगला बोल रहा है तो अपने एक्सेप्ट कर रहे हैं. कॉपी पेस्ट ही मारा हुआ है कोई आर्टिकल में कहीं लिखा हुआ था तो लिख दिया होगा. नाउ लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर इज प्रोसेस इनोवेशन एंड BPR. नाउ देयर इज वन थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस इनोवेशन एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. कैन यू टेल मी विद द नेम? किसमें? BPR में पूरा प्रोसेस बदल रहा है. नहीं गड़बड़ बोला उल्टा हो गया. प्रोसेस इनोवेशन. वर्ड इनोवेशन मीन्स एकदम न्यू. प्रोसेस इनोवेशन इज समथिंग दैट वॉज नॉट एग्जिस्टिंग. ओके नाउ यू आर एडिंग इट इन टू योर बिजनेस. ओके creating altogether a new stuff. And BPR is process ko re-engineer karo. Matlab the process is existing. You are changing the way it used to work. Matlab some impressions were already there. You were working it, but now you'll work it in a different way. Process innovation is totally new. Okay? Innovation is totally new. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल हेल्प यू. बजाज ऑटोमोबाइल्स ने अभी क्वाड्रा साइकिल लॉन्च किया है. क्वाड्रा साइकिल देखा आपने उनका? क्वाड्रा साइकिल सब तुरंत देख लिया करो जैसे ही कुछ भी मिले. बोलते हैं ना क्यूरियोसिटी नहीं होने से लर्निंग कैसे स्ट्रांग होगा. क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वाड्रा साइकिल
क्वाड्री साइकिल, क्वाड्री क्वाड्रन, तो क्वाड्री साइकिल मतलब आप साइकिल समझ रहे, इट इज द स्मॉलेस्ट कार. ये देखिए, वही 1.5 लाख के आसपास का आएगा. पर्सनल यूज के लिए ठीक है, सब्जी लेने जाओ, इट्स बेसिकली सेफर देन मोटर बाइक. इसका पावर उतना ज्यादा नहीं है, इसका पूरा फीचर्स मैंने पढ़ा था, पावर इज वेरी लेस, नॉट एक्चुअली इक्विवेलेंट लाइक अ कार. इट्स जस्ट 217 cc. इफ यू सी दिस इमेज, इट इज जस्ट 217 cc. एंड यू नो बजाज पल्सर इज 220 cc. यूजुअली पीपल बाय बजाज पल्सर 220 cc. तो पल्सर जो उनका मोटर बाइक है वो ज्यादा पावर का है, ये कार जस्ट 217 cc का है. तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, इसमें 4 लोग बैठ गए तो इसका स्पीड 40 से ज्यादा उठेगा नहीं. एनीवेज, ये क्या है ना, जब इन्होंने ये बनाया इसको बोलते हैं प्रोसेस इनोवेशन. ये पहले उनके यहां था नहीं, समझ गए, द वे दे हैव डेवलप्ड इट, इट इज एन इनोवेशन. एंड बीपीआर इज से उन्होंने बाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मैनुअल पुलिंग करते थे उसको ऑटोमेट कर दिया, बाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया. तो दैट इज बीपीआर. BPR is changing the way you used to work, and innovation is creating a new thing altogether. You'll see this discussion in your page, last page of this chapter. Here there is a case study of bike manufacturing process. Mila? This is talking about the difference between BPR and PI. You see here, in BPR is being used to improve the existing process, but the process itself could be redesigned from scratch. Example, the bike could be manufactured by giving all the parts to a team of specialists and asking them to work together to make it. मतलब एक होता है कि bike assemble हो रहा है और एक होता है कि भाई assemble नहीं होगा, तीन जन मिलके पूरा bike बनाओ. That's a new process. असेंबल कर रहा है मतलब वो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में चल रहा है, लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, बट आप उस पूरा को स्क्रैच कर दिए, चार जन को दे दिए, सारा पार्ट्स आपके सामने रख दिया, बाइक बना के दिखाओ, और ऐसे चार चार जन का फ्रैगमेंट बना दिया. तो इट्स अ न्यू प्रोसेस. न्यू प्रोसेस कैन बी फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोसेस कैन बी फॉर न्यू प्रोडक्ट्स. ठीक है, न्यू प्रोसेस. ओके, अच्छा एक मिनट समझाते आपको. न्यू प्रोसेस, जैसे SJC में पेन ड्राइव क्लासेस, इज BPR और न्यू प्रोसेस? नो, BPR वुड बी चेंज इन मेथोडोलॉजीज ऑफ द क्लास दैट वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग, दैट इज BPR. जैसे पहले मैं बोर्ड पे पढ़ाता था, अब मैं प्रोजेक्टर लैपटॉप लेके पढ़ाता हूं, दिस इज BPR. And pen drive classes is process innovation. It can be for existing product, it can be for a new product also. Understood? Similarly, say we started with say classes on WhatsApp video call, for example. What will it be? WhatsApp video call pe class ho raha hai. This is innovation, it's not BPR. BPR is doing the same thing in a different way. तो हम लोग पहले वो नहीं करते थे, अब किया तो इनोवेशन हो गया, और BPR में हम लोग उस चीज को सुधार रहे हैं. जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग का एडिटिंग प्रोसेस मैंने अपने क्लास में भी आपको बताया था, एडिटिंग प्रोसेस हम लोग पहले मैनुअल करते थे. मैनुअल मतलब वीडियो फाइल लेगा, रिकॉर्ड किया हुआ, फिर उसको एडिट करेगा, फिर वो रेंडर होगा, टाइम लगेगा, 10-15 घंटा एक एक वीडियो में जाएगा.
बट अब ये रियल टाइम एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स आ गए जो क्लास खत्म फाइल रेडी कर देते हैं, तो एडिटिंग टाइम जीरो हो गया. तो दिस इज बीपीआर, दिस इज बीपीआर. न्यू प्रोसेस इज क्रिएटिंग कंप्लीटली न्यू प्रोसेस विच मे और मे नॉट बी मोर एफिशिएंट देन दोज ऑफ एग्जिस्टिंग. न्यू प्रोसेस हो सकता है एफिशिएंट ना भी हो, बट बीपीआर हमेशा याद रखना हैज टू बी मच एफिशिएंट देन प्रीवियस. जैसे बीपीआर इज एग्जिस्टिंग के लिए, प्रोसेस इनोवेशन न्यू के लिए. एग्जिस्टिंग के लिए इसमें कंडीशन होता है, देयर शुड बी अ ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, देन ओनली इट इज बीपीआर. बट न्यू मे और मे नॉट बी एफिशिएंट देन एग्जिस्टिंग, मे और मे नॉट बी एफिशिएंट. उसमें कोई ड्रामेटिक चेंज का कंडीशन नहीं होता, मे और मे नॉट बी एफिशिएंट. ये लाइन समझ में आ रहा है? क्रिएटिंग कंप्लीटली न्यू प्रोसेस विच मे और मे नॉट बी मोर एफिशिएंट देन दोज ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम. तो ये क्यों करते हैं फिर? मे बी वी आर डूइंग फॉर सम अदर रीजन, वी आर डूइंग इट फॉर सम अदर रीजन. हो सकता है रिसर्च के लिए कर रहे हो सकता है सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो सकता है ब्रांडिंग के लिए कर रहे हो. जैसे वही व्हाट्सएप का क्लास सर ले रहे हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे बोल रहे क्लास चालू हो जाएगा. वीडियो कॉल में कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें कॉन्फ्रेंस में जितने ज्यादा लोग ज्वाइन कर ले तो क्लास बहुत जन को देखने को मिलेगी. होता है कभी व्हाट्सएप वीडियो कॉल में कॉन्फ्रेंस नहीं होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होता है? कुछ ही दिनों में फीचर्स आएगा, व्हाट्सएप वीडियो कॉल विल अलाउ ग्रुप पीपल टू ज्वाइन. हाँ, स्काइप में तो होता है, इधर भी चालू कर देंगे, वो फ्री में अवेलेबल होगा. तो सर सीधा व्हाट्सएप वीडियो में ज्वाइन कर लिए और उधर से स्टूडेंट लोग को कॉलिंग करवा दिया तो सबको ज्वाइन कर लिए, सब क्लास कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन भी हो रहा है, क्वेरी सॉल्विंग भी हो रहा है. तो व्हाई यू आर डूइंग इट, इज इट बेटर देन द current one? May not be. Then why you're doing it? It's because of some other reason. It may be for branding purpose, it may be for customer services, it can be for any other reason. Understood? इसके बारे में आगे की पढ़ाई अगले दिन करेंगे. BPR अगले दिन खत्म हो जाएगा and next day हम लोग chapter 4 भी पढ़ना शुरू करेंगे. अगला दिन का target है तीन चैप्टर, मतलब 3, 4 एंड 5. थैंक यू.